टिप्स। वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मार्केट में मिलने वाली दाल नमकीन बनाएंगे। ये बनाने में बहुत इजी होती है। इसे आप फेस्टिव डेज में बनाकर रखें और गेस्ट को सर्व करें। इसे आप बनाकर 1 से 2 महीने तक भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये मूंग दाल ली है, इसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया है। साबुत मसूर दाल को भी मैंने भिगो दिया और चने की दाल को भी मैंने ऐसे ही भिगोया है। देखिए, हमारी तीनों दालें अब भीग कर अच्छे से तैयार हैं। अब हम तीनों दालों का पानी बाहर निकालेंगे। अब इन्हें किचन टॉवल पर स्प्रेड करेंगे और एक दूसरे कॉटन क्लॉथ से हल्के से टैप करते हुए इसका एक्सेस वाटर को निकालेंगे और इसके बाद में से 10 मिनट के लिए आप पंखे के नीचे रख दें कि इसका सारा मॉइस्चर सूख जाए। यह प्रोसेस हम बाकी दोनों दालों के साथ भी करेंगे। देखिए, मेरी तीनों दालें अब अच्छे से सूख चुकी हैं, इनका पानी अच्छे से निकल चुका है। मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक ये टूल है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये दालों के तलने के लिए ही होता है। यदि ना हो तो आप इस तरह की चलनी भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसमें अपनी एक दाल ऐड करें और तलने के लिए तेल में डालें। ध्यान रहे, इस समय हमारा तेल बहुत तेज गर्म होना चाहिए और फ्लेम भी हाई पर होनी चाहिए। यदि तेल ठंडा हुआ तो आपकी दाल क्रिस्प नहीं होगी और कड़क हो जाएगी, जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब इसमें इसे एक दाना उठा के आप दबा के देखिए, यदि अच्छे से क्रिस्प पाउडर शेप में आ गई तो इसका मतलब हमारी दाल तैयार है। इसे अब बाहर निकाल लें। अब इसे 1 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ें, अभी आप नेक्स्ट बैच को तलें। अभी हमने यहाँ पे मसूर की दाल को तल रहे हैं। हल्की सी क्रैक हो जाती है कि हमारी मसूर की दाल भी अच्छे से तल कर तैयार है। इसे भी बाहर निकालें और अलग प्लेट में रखें। इसी तरह से दोनों दालों को, मूंग की दाल को भी तलें। बात का जरूर ध्यान रखना है कि नेक्स्ट बैच तलने से पहले आप इसे तेल को वापस गर्म होने के लिए 1 मिनट का समय दें। अब इस फ्राइड दाल को भी बाहर निकालें। कि हमारी तीनों दालें तलकर अब तैयार हैं। इन्हें ठंडा होने रखें, 10 से 15 मिनट इन्हें ठंडा होने रखें। अब आप अपने अकॉर्डिंग नमक, काला नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, सिट्रिक एसिड और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। मूंग की दाल में हमें सिर्फ नमक ही मिलाना है, इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और अच्छे से मिक्स करें। मार्केट में मिलने वाली हल्दीराम नमकीन से भी यह दाल और बेहतर है और टेस्टी है। अब चने की दाल में जो हमने मसाला तैयार किया था वह ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। माई क्रिस्पी मसालेदार चने की दाल बनकर तैयार है। अब साबुत मसूर की दाल को, जो आपने मसाला तैयार किया था, वह ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। मार्केट में मिलने वाली नायलॉन सेव है, इसे आप इसमें ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर आप फ्राइड ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और इन्हांस होगा और दिखने में भी सुंदर होगी। देखिए, तीनों तरह की दाल बनकर तैयार है। आप फेस्टिव डेज का मजा लें।